सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो डाला था आईफोन का, तो बहुत सारे आदमी ने मेरे पास कमेंट किया था, भाई क्या आईफोन क्या EMI में मिल सकता है, क्या लोन में मिल सकता है। बहुत सारे आदमी का कमेंट आया मेरे पास, तो मैं सोचा एक वीडियो क्यों ना बना जाए। तो गाइस, सारा का सारा फ़ोन जो है EMI में मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। इंडियन हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, जो भी है आप कुवैत में, तो उसको ये मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिल सकता है, ओके। तो ये मिल सकता है, कैसे मिल सकता है आपको मैं बताएगा। आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जो है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो प्रॉपर का प्रॉपर क्लियर होना चाहिए, ओके। तो आपका जो कंपनी में आप काम करते हो उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, और आपका जो सैलरी है मेन सैलरी वो मिनिमम 250 के ऊपर होना चाहिए, और 200 तक होएगा तो भी कर सकता है, ओके। तो 250 के ऊपर सैलरी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 250 के ऊपर जाएगा तो आपका सैलरी आपको एक ही दिन में लोन बना के दे सकता है कंपनी, जो भी जिधर भी है कुवैत में। आप जो कोई भी शॉप में जाके आप सीधा सीधा बात करेगा, भाई मेरा सैलरी 250 के ऊपर है या मेरा सैलरी पेपर है, मेरे को एक फ़ोन EMI में चाहिए। तो बात आता ही है कि मैं अगर लोन में ले लूँ फ़ोन तो मेरे को कितना पे करना पड़ेगा हर मंथ, वो आता है आपका फ़ोन का प्राइस के ऊपर अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो आप 200 KD और 300 KD का समथिंग फ़ोन लेते हो, ऐसा मंथली आपको 10 KD, 7 KD, 12 KD ऐसा ऐसा आता है पर मंथली जो आपको पे करना पड़ेगा, ओके। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया मैं क्या बोला और क्या नहीं बोला। तो अगर आपको फ़ोन EMI में चाहिए कुवैत में, तो डायरेक्ट सिटी आ सकते हैं, सिटी बेस्ट में, जो कि बहुत अच्छा प्लेस है, ओके। तो इधर आएगा तो आपको एक ही दिन में आपको लोन बन जाएगा, ओके। तो थोड़ा व्यूज लीजिए, और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो, ओके। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब ज़रूर मांगता है, ओके। जो कोई भी फ़ोन आपको एंड्रॉयड चाहिए एंड्रॉयड मिलता है, लैपटॉप चाहिए लैपटॉप मिलता है, जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको चाहिए वो आपको EMI में मिल सकता है। मैं एक ही बात बार बार बोलता हूँ, आपको मिल सकता है, बट आपको सैलरी मिनिमम 250 के ऊपर जाना चाहिए। आपका कंपनी के थ्रू एक पेपर चाहिए, बस मेरा सैलरी इतना है, बस वो पेपर से लेके आप आ जाइए, आपका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पासपोर्ट जेरोक्स और सिविल आईडी जेरोक्स, बस इनफ। इतना जमा करने के बाद में आपको लोन मिल जाता है। जो कोई भी कंपनी से है आपको मैनेजर से जाके बात करना पड़ेगा, भाई मेरे को लोन चाहिए, ओके। तो लोन के लिए आपको फ़ोन लेना चाहिए, जैसे ऐसे बात करेगा तो वो एक पेपर बना के देता है, उसमें मेंशन होता है और उसमें मैनेजर का साइन ज़रूरी होता है, ओके। तो ये बस इतना सा मिल जाएगा तो आपको फ़ोन EMI में मिल जाएगा, ओके। तो लेट्स गो, ओके।